सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन, साकेत मुक्ति आंदोलन, उत्तर प्रदेश, भारत। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उच्चतम न्यायालय लखनऊ ने हमारी याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने बौद्धों की याचिका खारिज कर दी। अब एक ही मार्ग बचता है, देश भारत के लोगों के द्वारा सांसद चुना जाता है और सांसद हाउस में, संसद भवन में कानून बनाता है। अब हमारा एक ही प्रयास होगा कि देश भारत में जितने भी एससी ओबीसी माइनॉरिटी, बुद्ध से प्यार करने वाले, समता में विश्वास रखने वाले जितने भी माननीय सांसद गण हैं, साकेत मुक्ति आंदोलन सबको पत्र लिखेगा और कहेगा कि आप अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। देश में लोकतंत्र है, देश में तानाशाही नहीं है। हम लोग कुछ कह रहे हैं तो मेरी बात सुनी जाए, उस पर अमल किया जाए, उस पर विचार किया जाए। और जब हाउस चलेगा और जब हमारे माननीय सांसद लोगों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा, तो हम सभी सांसदों से अपील करेंगे कि आप साकेत पर चर्चा करें, बौद्धों की विरासत पर चर्चा करें, हमारे मान सम्मान पर चर्चा करें। क्योंकि जब आप चुनाव लड़ते हैं तो देश भारत के बौद्ध भी आपको वोट करते हैं। मेरी अपील है, इस अपील में आप सभी लोग मेरा साथ दीजिए। साकेत मुक्ति आंदोलन की टीम सांसदों की सूची बना रही है और सभी सांसदों को पत्र लिख करके समर्थन उनसे मांगा जाएगा और हाउस में उनसे निवेदन किया जाएगा कि 2 मिनट भी बोलें लेकिन साकेत पर बोलें। पूरे देश में इस चर्चा को किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसको भी आम पब्लिक में बताया जाएगा और मैंने जो मांग रखी है वो भी आम पब्लिक में मुझे बताने का अधिकार है। जब हमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से न्याय नहीं मिलेगा तो मैं जनता की अदालत में जाने के लिए तैयार हूं। अब साकेत मुक्ति आंदोलन की टीम ईमानदारी से जनता की अदालत में जाएगी और कहेगी कि ये मेरे विचार हैं, ये उनके विचार हैं, बताओ आप किनके साथ हैं। आवार पार की लड़ाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग मेरा साथ दें। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय श्रमण भारत।